हेलो क्लास, आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास नाइन्थ के वर्क एंड पावर कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। तो चलिए, वर्क पावर एंड एनर्जी में हम सबसे पहले वर्क के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे मूव करेंगे। तो डियर क्लास, टुडे वी हैव टू प्रोसेस ऑन द वर्क पावर एंड एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये आपके क्लास नाइन्थ एज वेल एज इलेवेंथ के बेसिक्स को थॉरली क्लियर करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहां पर समझनी है, एक्चुअली वर्क होता क्या है, वर्क की नीड क्या है। तो इस क्लास में वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट को हम सभी लोग लेकर के चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक पार्टिकुलर प्लेस से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पार्ट जो हमें मिलता है दैट इज द वर्क, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज वर्क को समझने के पहले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग यहां वर्क कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं कि वर्क एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे कि जब हम किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, तो फोर्स को अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट में हमने उसमें डिस्प्लेसमेंट किया इस तरीके से, ठीक है ना। हमने फोर्स को अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट में एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ड्यू टू द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, किस डायरेक्शन में हो रहा है वो एक अलग की बात है, लेकिन अगर फोर्स अप्लाई करने के रीजन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं वर्क इज सेट टू बी डन, ठीक है ना। इफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई, अगर हम डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अक्रॉस आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो आपको उसे बोला जा सकता है वर्क डन। तो यहां पर देखिए, वर्क के कॉन्सेप्ट को हम सभी लोग पिक करते हैं। तो देखिए, यहां पर बताया जाता है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, displacement is taking place, is taking place, ठीक है ना। या फिर इसी को हम कह सकते हैं और energy is consumed, energy is consumed, मतलब ये एक basic fundamental है कि अगर कहीं पर energy का consumption हुआ तो एनर्जी के कंजम्पशन के रीजन से वर्क जरूर होगा, बिना एनर्जी के कंजम्पशन के किसी भी तरीके से वर्क डन कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वर्क डन नहीं होगा, इट इज डेड श्योर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आपको बताया गया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस, यानी फोर्स अप्लाई करने का रिजल्ट क्या मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट, आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट मिला ऑब्जेक्ट में तो आपको वर्क मिलता है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, वर्क डन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी कंजम्पशन, वर्क डन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी कंजम्पशन एंड एनर्जी, इफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड देन श्योरली वर्क हैज टू बी डन, वर्क होगा ही होगा अगर एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है तो, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पर वर्क के बारे में देखो, यहां पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो, देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में मोशन पढ़ा, ठीक है ना। मोशन का मतलब क्या रहा कि ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज के रीजन से एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वेलोसिटी चेंज या एक्सीलरेशन आया कहां से, फोर्स के रीजन से, ठीक है। फोर्स कहां से आया, मोमेंटम चेंज के रीजन से, मोमेंटम चेंज के रीजन से। अब समझिएगा, फोर्स मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, जिसके रीजन से आपका क्या हुआ, वर्क डन हुआ, क्या हुआ, वर्क डन हुआ,
ठीक है, वर्क डन हुआ यानी एनर्जी का कंजम्पशन हुआ। तो सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इस चीज को अच्छे से माइंड में सेटअप करके रखना है, ठीक है ना। और जब तक आप फिजिक्स में चीजों को डायरेक्टली क्लियर नहीं करेंगे, आप वर्चुअली चीजों को समझने या रटने के लिए जाएंगे, तब तक फिजिक्स आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है ना। तो चीजों को समझिए, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो आपका एनर्जी कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ। वर्क इज सेट टू बी डन, जैसे हमेशा आप डिस्प्लेसमेंट नहीं देख सकते हैं। अगर आपने एक वॉल पे फोर्स लगाया तो जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा, मे बी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ना हो। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो किस तरीके से वर्क डन को हम बताएंगे, आप बताएंगे एनर्जी इज कंज्यूम, एनर्जी इज कंज्यूम। तो देखो बेटा, यहां पर एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। यहां पर देखिए, आपको बताया गया कि ये एक आपको प्लेन दिया गया, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां से एक इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पे आपको ऐसे मिला, थीटा एंगल पे। आपने यहां पर एक पार्टिकुलर ब्लॉक को प्लेस किया और इस ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, एफ का फोर्स लगाया। लेकिन ये ब्लॉक जो होगा ये स्लाइड करके कहां पर डिस्प्लेस होगा, अपवार डायरेक्शन में। कहां पर डिस्प्लेस होगा, अपवार डायरेक्शन में। तो यहां पर देखने वाली चीज ये होगी कि अगर हम इस एस के कंपोनेंट्स को लेकर के चलेंगे तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लेवल से ऊपर का केस है। देखिए, एस जो है आपका, जब आप इस डायरेक्शन के अक्रॉस जाएंगे तो इसको बोलेंगे एस एक्स, क्या बोलेंगे, एस एक्स। और ऊपर वाला जो फंडामेंटल है उसको बोलेंगे एस वाई, क्या बोलेंगे, एस वाई। एस एक्स की वैल्यू होगी एस कॉस थीटा, क्या होगा, एस कॉस थीटा। और एस वाई की वैल्यू होगी एस साइन थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा, हम वर्क डन किस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऑफ द फोर्स। देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलता है कि जब आपने फोर्स एफ लगाया, एफ, तो डिस्प्लेसमेंट किधर मिला आपको, एक्स की डायरेक्शन में। किधर मिला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपको ऊपर की तरफ मिल रहा, इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पे, लेकिन आपको फोर्स की डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अक्रॉस है ना, तो एक्स के अक्रॉस आप डिस्प्लेसमेंट भी लीजिए। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, एस एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा एफ एस साइन कॉस थीटा, क्योंकि एस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा। तो यहां पर प्रैक्टिकली ये जनरल फार्मूला मिल गया आपको वर्क डन का। किसका फार्मूला मिल गया आपको, वर्क डन का एक बेसिक फार्मूला जो हर चीज को एक्सप्लेन करने की एलिजिबिलिटी कंटेन करता है। अगर आप W इक्वल्स टू एफ एक्स लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों, तो यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन इस टाइप ऑफ वर्क डन। आप हर तरीके के वर्क डन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, दैट इज द डेड जोन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर वर्क के बारे में हमने देखा, अब इसकी यूनिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जब इसकी यूनिट को हम लेकर के चलेंगे तो यूनिट देखिए क्या मिलेगी, यूनिट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा, फोर्स को मेजर करते न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते मीटर में। और कॉस थीटा जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, वो यूनिट लेस होती है, थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। थीटा एक एंगल है जो दो साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंटेट करती है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं। तो न्यूटन मीटर इक्वल्स टू क्या मिला आपको, न्यूटन मीटर इक्वल्स टू आपको मिल गया बेसिकली जूल, क्या मिल गया, जूल। तो जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। देखिए, जब हम एनर्जी में जाएंगे तो अदर यूनिट्स पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, जूल हो गया एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट आपके पास हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग। तो वन जूल इक्वल्स टू कितने अर्ग होंगे, वन जूल इक्वल्स टू 10^7 अर्ग,
ठीक है, यहां पर ये एक और रिलेशन आपके पास मिला। एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट के कॉन्सेप्ट को आपने प्यारे बच्चों थॉरोली पिक कर लिया। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वॉकडन के केसेस को लेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वॉकडन में देखिए, टाइप्स ऑफ वर्गडन, तो टाइप्स ऑफ वर्गडन की जब हम बात करेंगे तो देखिए कई तरीके के वर्गडन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, हम एक एक को पिक कर रहे हैं। सबसे पहला वर्गडन आपको जो मिलता है वो कौन सा होगा? ठीक है, सबसे पहला वर्गडन आपका जो होगा वो कौन सा होगा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट, हमें इसके बारे में थॉरली डिस्कस करना है। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो कौन सा वर्गडन आपका किस तरीके से लेकर के चला जाएगा, इस चीज पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर आपको बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ वर्गडन में सबसे पहला वर्गडन आपके पास जो होता है वो कौन सा होगा, आपके पास पॉजिटिव, एक्चुअली हमें जो चाहिए वो मैक्सिमम वर्गडन चाहिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा जानते चलेंगे, दैट विल बी मच मोर बेटर। पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट इज मीन बाय द पॉजिटिव वर्क डन, तो देखो यहां पर आपको बताया जाता है जब थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर के 90 के बीच में लाई करेगी इंक्लूडिंग जीरो, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेकर 90 के बीच में लाई करेगी इंक्लूडिंग जीरो, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्गडन। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है जीरो से 90 डिग्री के बीच में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें एक केस जो आपको लेकर के चलना है वो है मैक्सिमम वर्गडन। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री, देन कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, यानी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वन। और देखो बेटा, जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम वर्गडन निकालोगे। मैक्सिमम वर्गडन क्या मिला, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो ये W की मैक्सिमम वैल्यू रही। अगर आप डायरेक्टली बात करो तो ये कब मिलेगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, यानी जिधर की तरफ फोर्स लगाइएगा उधर ही अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जो वर्गडन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ धक्का देना स्टार्ट किया, फोर्स लगाया और वो उधर ही डिस्प्लेस हो गया, व्हीकल को हमने पुश किया, पुश करने पर क्या हुआ, वो उधर की तरफ ही मूव करने लगा, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया आपका, पॉजिटिव वर्क। ठीक है ना, और उसमें भी वो मैक्सिमम वर्गडन का केस है। सेकेंड वर्गडन देखिए आपके पास होता है क्या, जीरो वर्गडन, क्या होता है, जीरो वर्गडन। जीरो वर्गडन क्या होता है, देखिए प्रैक्टिकली ये जीरो कब कब हो सकता है, W की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए जब F जीरो होगा तब ये, यानी फोर्स ही नहीं लगाएंगे, जब फोर्स ये नहीं लगाएंगे तो कहां से आपको वर्गडन मिलेगा, व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड देन नो वर्क इज डन। ठीक है ना, इन ऑप्शन ऑफ फोर्स देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा तो वर्गडन जीरो होगा क्योंकि सब प्रोडक्ट में है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो भी ये जीरो हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा जीरो हो जाए तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी व्हेन एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर। जब आप एफ एंड एस की बात करते हैं दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में देखो भैया क्या हो जाएगा, यहां पे सीधे सीधे क्या होगा आपका, ये देखिए यहां पे
जीरो वर्क डन कब होगा? जीरो वर्क डन आपको मिलेगा एफ एस कॉस 90 के केस में। कॉस 90 कितना हो जाएगा? जीरो। तो पूरा का पूरा वर्क डन आप समझिएगा। इनके एग्जांपल्स गजब के हैं, ठीक है ना। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट देन वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वर्क डन क्या कहा जाएगा आपका? पॉजिटिव कहा जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, जीरो कहा जाएगा। सॉरी, रियली सॉरी। देखो बेटा, एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं यहां पे, तो जब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहां पे सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो देखो बेटा, फोर्स सेंट्रीपिटल लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली अपवर्ड, तो फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर। देखिए आपका एंगल कितना हुआ? एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ऑब्वियसली वर्क डन। तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले ऑब्जेक्ट का वर्क डन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज विल बी जीरो। सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे अगर आप मून की बात करेंगे, वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, ऑब्वियसली उसका वर्क डन कितना है? जीरो। अर्थ का वर्क डन अराउंड द सन कितना है? जीरो। आप सर्कुलर ट्रैक पे तेजी से रन कर रहे हो, वर्क डन कितना है? ऑब्वियसली जीरो, ठीक है ना। रीजन बड़ा सिंपल सा है, रीजन सिंपल सा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू इट। अब आप कहोगे किसी दूसरे पॉइंट में पिक करिए, चलिए बहुत अच्छा, मैं इस पॉइंट पे पिक करता हूं। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन टुवर्ड्स द सेंटर, अगेन टुवर्ड्स द सेंटर एंड डिस्प्लेसमेंट आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। इन बोथ द केसेस एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों ही केसेस में आपके जो एंगल्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट केस था सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड केस देखिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन आर हेड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हेड पे प्लेस किया, देन व्हाट वर्क इज डन? वी आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब मूव करेंगे तो देखो बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट रहा जो आपके हेड पे प्लेस किया गया, समझिएगा। तो इसका वेट किधर की तरफ वर्क कर रहा है? इसका वेट ऑब्वियसली वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट भी एक तरीके का क्या होता है? फोर्स होता है। और आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे, ऑब्वियसली आपका जो नेट वर्क डन होना है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। बिकॉज ये वेट था आपका, ये क्या था? वेट था, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल कितना मिला? तो देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हेड पे रखते हो तो फोर्स नीचे की तरफ आपको लेके जा रहा है, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और आप आगे जाओगे, लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, जिधर भी आप मूव करोगे ऑब्वियसली वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक ही रीजन है बेटा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे केसेस आपको दिए। एक लास्ट केस हमारे पास और होता है जिसे हम सभी लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि उस केस का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। वो केस कौन सा है? नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, और ना ही ये आपके सिलेबस से बिलोंग करता है, ऑल्दो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट थॉरली। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, देखो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इसके लिए समझिएगा थोड़ा सा स्टेटमेंट, एफ एंड एफ आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
एफ एंड एस, एफ एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एफ एंड एस दोनों क्या है आपके, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन। क्या बोलते हैं इसे, नेगेटिव वर्क डन। आई बात समझ में, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट सा आपके पास रहा जो आपके लिए चीजों को क्या करता है, फेवरेबल करता है। अब देखिए यहां पे अगर फोर्स इधर की तरफ लग जाए और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो जाए, फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, तो ऑब्वियसली एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री एंड इट विल बी नोन एज द नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो कुएं से पानी निकालते हुए देखा है, ठीक है, जब आप बकेट को बाहर की तरफ क्या कर रहे होते हो, खींच रहे होते हो, इन दैट कंडीशन आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, किधर की तरफ खींच रहे हैं, डाउनवर्ड, एंड बकेट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, फोर्स नीचे की तरफ है एंड बकेट का मूवमेंट ऊपर की तरफ, देखिए फोर्स नीचे की तरफ खींच रहे हो इस तरीके से ना, और बकेट, तो देखो दोनों की डायरेक्शन, फोर्स नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहां पर आपको ये मिला क्या, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन के ये पार्टिकुलर केसेस आपको मिले, नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग इनके एग्जांपल्स पे थॉरली वर्क करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे थॉरली वर्क करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग एनर्जी पावर को भी लेकर के आगे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, बने रहिए और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करिए, जिससे उन सभी को इस चैनल के बारे में पता चल सके एंड वी आर सॉल्विंग फॉर द नॉलेज, इस चीज के बारे में पता चल सके। थैंक यू क्लास, ब्लेस यू ऑल।